हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है और ये थर्ड वीडियो मेरी फ़िलोसॉफी एंड फिटनेस चैनल पे। इससे पहले दो वीडियो मेरी फ़िलोसॉफी से रिलेटेड थी और ये थर्ड वीडियो मेरी फ़िटनेस से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, सब कुछ जानेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसके साइंस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं और एंड में इसके सॉल्यूशन क्या हैं। आज इंडिया में 78% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। ओके, तो बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन। जब हमारा स्टूल हार्ड और ड्राई आता है और जब यही सेम दिक्कत हमें 2 दिन से ज़्यादा रहती है तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसके साइंस क्या क्या हैं? पेट भरा भरा रहना, होठों पर पपड़ी आ जाना, माथे पर बार बार पिंपल हो जाना, मुंह में छाले होना, कम भूख लगना और इनसफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ स्टूल, यानी कि हम रोज़ वॉशरूम जाते हैं मॉर्निंग में बट स्टूल खुलकर नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी भी बंदे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो उसके स्टोमक में, उसके पेट में एसिड बनेगा, गैस बनेगी। नॉर्मल डेज में जितना फूड वो कंज्यूम करता है उससे कम फूड वो कंज्यूम कर पाएगा कॉन्स्टिपेशन के डेज में। अगर पुराना स्टूल आपके स्टोमक में रहेगा तो वो आपकी बॉडी का पानी निचोड़ेगा, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपकी जो बॉडी का पानी है वो सूखने लग जाएगा। जो स्टोमक में पुराना स्टूल है जो कि आज मॉर्निंग में निकल जाना चाहिए था बट अभी तक है, तो वो आपकी बॉडी के पानी को एब्जॉर्ब करेगा। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत कि अगर यही दिक्कत आपको 3-4 महीने से है, कॉन्स्टिपेशन अगर 3-4 महीने से है तो आपको हेमरॉइड्स हो सकता है। हेमरॉइड्स का मतलब है बवासीर हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, होती क्यों है कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहली चीज़ लो फाइबर डाइट। फाइबर डाइट यानी कि आपकी डाइट में, आपके फूड में फाइबर की कमी है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपको। डिहाइड्रेशन यानी अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ईटिंग हैबिट सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप खाना सही तरह से नहीं खाते हो, सही तरह से मतलब है कि आपने एक टुकड़ा मुँह में लिया और आपने 4-5 बार उसको चबाया और सीधा पेट में ले गए, 100% कॉन्स्टिपेशन होगी। नेक्स्ट चीज़ फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड अगर आप खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। इन सब के बारे में डीप में बात करेंगे अभी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में डीप में बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है एंटीबायोटिक्स। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। लैक ऑफ विटामिन बी, अगर विटामिन बी की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन होगी, क्यों होगी वो सब बताऊँगा। एडिक्शन ऑफ टी, अगर आप टी के बहुत एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगी, और अगर आपका डाइजेशन ख़राब है तो भी कॉन्स्टिपेशन होगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमने बात की थी कॉजेज में, सबसे पहला पॉइंट था हमारा लो फाइबर डाइट कि अगर आपके फूड में फाइबर की कमी है तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि हमें फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। हमें मैन या वुमेन दोनों को 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है एक दिन में, जो कि आपके फूड से आना चाहिए, सप्लीमेंट से नहीं। अब फाइबर के 2 टाइप होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर, और फाइबर का मतलब हिंदी में होता है रेशा, ठीक है। तो एक सॉल्यूबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्यूबल फाइबर होता है। सॉल्यूबल फाइबर का काम होता है, जो कि सॉल्यूबल फाइबर क्या होता है पहले वो बात करते हैं। सॉल्यूबल फाइबर होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि पानी में मिल जाता है, और पानी में मिलने के बाद एक जेल क्रिएट करता है। जिस तरह से जो लोग ईसबगोल पीते हैं उन्हें पता है कि जब हम ईसबगोल को पानी में डालते हैं तो वो एक जेल क्रिएट करता है, सेम इसी टाइप से सॉल्यूबल फाइबर एक जेल क्रिएट करता है जो कि हेल्प करता है स्टूल को पास होने में। ओके, जब आप मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हैं तो स्टूल ईजिली पास होता है, जिनकी डाइट में सॉल्यूबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है उनका इजीली पास हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ थी इनसॉल्यूबल फाइबर। इनसॉल्यूबल फाइबर क्या करता है, इनसॉल्यूबल फाइबर वाटर को अट्रैक्ट करता है स्टूल की तरफ, जिससे कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि इनसॉल्यूबल फाइबर हेल्प करता है पानी को मिक्स होने में स्टूल के। इनसॉल्यूबल फाइबर पानी को मिक्स करता है स्टूल में, जिससे कि स्टूल हमारा सॉफ्ट हो जाता है, और सॉल्यूबल फाइबर हेल्प करता है उसको पास करने में। ओके, तो दोबारा बता देता हूँ, सॉल्यूबल फाइबर हेल्प करता है स्टूल को पास करने में, और इनसॉल्यूबल फाइबर स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। अब बात करते हैं कि फाइबर हम कैसे लें, किस चीज़ से लें, किस चीज़ में फाइबर ज़्यादा होता है। ओके, तो एक
मैं फाइबर बताऊंगा कि किसमें ज़्यादा होता है, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ फाइबर, कि कुछ चीज़ों में फाइबर होता है, ज़्यादा होता है, बट हमें फिर भी वो नहीं लेना। जैसे कि राजमा, राजमा में 100 ग्राम में 25 ग्राम फाइबर होता है, यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, बट वो हमें नहीं लेना है। वो इसलिए क्योंकि राजमा एसिड यानी गैस की दिक्कत करता है स्टोमक में जाके, जिससे कि हमें फाइबर तो मिलेगा बट एसिड की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका फाइबर हमारे लिए काम नहीं करेगा। चिक पीज़ यानी कि छोले, छोले में 100 ग्राम में 17 ग्राम फाइबर होता है, बट उसकी भी सेम दिक्कत है कि वो हमारी बॉडी नहीं पचा पाएगी और वो भी एसिड यानी गैस क्रिएट करेगा, जिससे कि उसका फाइबर हमारे काम नहीं आएगा और हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी। अब हमें क्या लेना है जिसमें फाइबर होता है? मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ जिनका क्वालिटी ऑफ फाइबर सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा फाइबर है उनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स होते हैं, चिया सीड दो जगह मिलते हैं, फॉरेन में भी और इंडिया में भी, और दोनों के ही अलग अलग होते हैं। जो चिया सीड्स फॉरेन के होते हैं वो गेहूं के दाने के बराबर होते हैं, और जो इंडिया के होते हैं वो होते हैं चाय की पत्ती के बराबर। तो हमें जो लेना है वो हमें लेना है इंडिया वाले। जो इंडिया वाले चिया सीड्स हैं उन्हें हिंदी में बोलते हैं सब्जा के बीज। जो आपके आसपास अत्तार की दुकानें होती हैं ना, अत्तार की दुकानें, उन पे ये चीज़ें मिलेंगी। चिया सीड्स आप वहाँ से ले सकते हो। 100 ग्राम में 34 ग्राम फाइबर होता है, इसको आप ले सकते हो। कैसे लेना है? एक गिलास पानी में 2 चम्मच चिया सीड डालोगे आप, 10 मिनट के लिए उसको रहने दो, वो फूल के वाइट वाइट हो जाएंगे, एक जेल टाइप क्रिएट करेंगे ये सब घोल की तरह, और फिर उसको पी जाइए। 100 ग्राम में 34 ग्राम फाइबर है। चिया सीड्स के बाद हम आते हैं फ्लैक्स सीड्स पे। फ्लैक्स सीड्स होते हैं अलसी के बीज। पंजाब में लोग इसे काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ करते हैं, वहाँ पे लड्डुओं में डाली जाती थी ये फ्लैक्स सीड्स, और इस समय इंडिया में लोग इसे घुटनों के दर्द के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये गर्म होती है। फ्लैक्स सीड्स में 100 ग्राम 27 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम में 27 ग्राम फाइबर फ्लैक्स सीड्स में होता है। ये रेड कलर के दाने होते हैं, इनको आप रोस्ट करके खा सकते हो। टेस्ट इनका अच्छा नहीं होता, तो आप इन्हें मिक्सी में पीस भी सकते हो और फिर नॉर्मल पानी में डाल के घोल के इसको पी सकते हो। एक ही सांस में पीना पड़ेगा, घूट घूट करके नहीं पी पाओगे क्योंकि टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता। और चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आप एक तरीके से और खा सकते हो, जैसे कि आप खाने के साथ जब छाछ लेते हो तो छाछ में डाल सकते हो, या फिर आप रेशे वाली सब्जी लेते हो जैसे आलू की सब्जी होती है तो उसमें डाल के चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स दोनों आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में कुछ अलग बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं। ओमेगा 3 हेल्प करता है हमारी स्किन को ग्लो करने में, और ओमेगा 6 हेल्प करता है हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने में। ओके, तो इसमें तीसरी चीज़ आती है पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दूकस के बीज। कद्दूकस के बीज भी आप खा सकते हो। 100 ग्राम में 18 ग्राम फाइबर होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलता है काफ़ी, जो कि हमारे ग्लो में काम आता है, स्किन ग्लो में। चौथी चीज़ आती है ओट्स। ओट्स के दो टाइप होते हैं, फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड। हमें लेने हैं अनफ्लेवर्ड। फ्लेवर्ड होते हैं जैसे कि मसाला ओट्स, पुदीना ओट्स, ये फ्लेवर्ड हैं, उनमें केमिकल डला होता है, और जो अनफ्लेवर्ड हैं उन्हें बोलते हैं प्लेन ओट्स। तो आप इन्हें ले सकते हो। 100 ग्राम में 10 ग्राम फाइबर होता है। अगर आप 100 ग्राम दिन में दो बार भी खाते हो तो आपका 20 ग्राम फाइबर तो ऐसे ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, आप होल ग्रेन फूड्स खा सकते हो, जैसे कि दलिया। तो आप होल ग्रेन फूड्स खा सकते हो, उसमें फाइबर होता है। और वेजिटेबल्स में आप स्पिनच ले सकते हो यानी कि पालक ले सकते हो, या ग्रीन लीफी सारी वेजिटेबल्स ले सकते हो, सब अच्छे होते हैं, बट स्पिनच में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप रात को एक बड़ा बाउल यानी कि 250 ग्राम का बाउल खा रहे हो जिसमें जैसे कि हम भुजी बनाते हैं पालक की, राइट, तो भुजी में आलू कम डालिए, पालक ज़्यादा डालिए, उसको खाइए, सुबह को आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ईजिली स्टूल पास होगा आपका। ओके, तो आप वेजिटेबल्स में पालक खाइए, सबसे मेन पालक है। वैसे ग्रीन लीफी सभी खा सकते हो बट सबसे मेन पालक है। और फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हो, सपोता ले सकते हो, पियर्स ले सकते हो। ओके, सपोता को हिंदी में बोलते हैं चीकू, एप्पल को सेब, और नाशपाती को सॉरी पियर को नाशपाती, और आप एवोकाडो भी ले सकते हो। ओके, कुछ लोग हैं पेट साफ करने के लिए वो कायम चूर्ण, पेट सफा चूर्ण, त्रिपला चूर्ण, या इसके अलावा बहुत सारे चूर्ण लेते हैं। तो मैं इसकी नॉलेज देना चाहता हूँ
कि ये चूर्ण 3 से 4 दिन रेगुलर वर्क करेंगे, बट अगर आप सपोज आप इन्हें 1 हफ्ते लेते हो तो स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज ये बिल्कुल अच्छा वर्क करेंगे, बट उसके बाद ये वर्क करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये चूर्ण जो चीज़ें हैं ये केवल टेम्परेरी हैं। चूर्ण से पेट साफ हो जाएगा बट बीमारी सही नहीं होगी, दिक्कत सही नहीं होगी। दिक्कत सही होगी जहाँ से आप कमी कर रहे हो आप फाइबर में, तो आप फाइबर ज़्यादा लो। चूर्णों में फाइबर नहीं है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है, बात करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कितना पीना है? 3 से 4 लीटर कम से कम पीना है। अगर आप 3 लीटर से कम पी रहे हैं तो आप डिहाइड्रेट रहेंगे पूरे दिन। ओके तो आपको पानी पीना है कम से कम 3 लीटर, 3 से 4 लीटर। और जो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने वाले लोगों को पीना है 4 से 5 लीटर। जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं उनको मिनिमम 5 लीटर पीना ही पीना है। जो जितना ज़्यादा प्रोटीन लेता है सप्लीमेंट से उन्हें उतना ज़्यादा पानी पीना है। और अगर कोई भी बंदा इसबगोल लेता है तो इसबगोल में हमेशा ध्यान रहे कि इसबगोल अगर आप लेते हो तो जितना ज़्यादा इसबगोल लोगे उतना ही ज़्यादा पानी पीना है। ओके तो अगर आप 3 लीटर पानी, अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते हो तो आपको कम से कम 3 लीटर पीना है, बट अगर आप साथ में इसबगोल लेते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा। यानी कि 250 ml का एक गिलास होता है हमारे घर में, जो नॉर्मल होते हैं स्टील के, वो 250 ml का एक होता है। तो आपको लगभग 2 से 3 गिलास यानी कि आधा लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना है कम से कम। ओके नेक्स्ट बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स पे, खाने का तरीका। आपको जो खाना खाना है ना वो चबा चबा के खाना है। अगर आपने एक बाइट लिया, ठीक है, अब आप उसको चबा चबा के खाते हो, 5-6 बार चबाया और पेट में, या 10-12 बार चबाया मैक्सिमम पेट में, तो वो क्या है कि वो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जितना बड़ा टुकड़ा आपके स्टोमक में जाएगा उतना ही ज़्यादा काम आपके लीवर को करना पड़ेगा। ओके और जितना छोटा टुकड़ा आपके पेट में जाएगा उतना ही कम काम करना पड़ेगा आपकी बॉडी को, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि आप जितनी देर तक अपनी बाइट को यानी अपने टुकड़े को मुंह में रखोगे, चबाते रहोगे, उतना ही ज़्यादा उसमें हमारा सलाइवा मिलता है यानी हमारा थूक मिलता है। हमारे सलाइवा में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप टुकड़े को चबाओगे उतना ही ज़्यादा छोटा भी होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें हमारा सलाइवा भी मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इवन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करिए, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन्हें डाइजेशन की भी दिक्कत होती है उनका डाइजेशन अपने आप सही हो जाएगा बिना किसी दवाई के। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फास्ट फूड, जंक फूड और स्पाइसी फूड। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड मतलब जिसमें बहुत सारा मसाला डल रहा है। जब हम बहुत सारा मसाला खाते हैं किसी सब्जी में या किसी भी चीज़ में, तो वो हमारे स्टोमक में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो वो पेट में इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अब आप इन्फेक्शन पता भी लगा सकते हैं। इन्फेक्शन पता कैसे लगाएंगे वो बताता हूँ। जब आप सुबह को वॉशरूम जाते हो, आप फ्रेश होते हो, आपको दिखा कि हाँ स्टूल आ गया है, बट उसके बाद आपको लगता है कि अभी और स्टूल आएगा, राइट, वो नहीं आता। और आता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, जिसे हम हिंदी में, इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं राद आना, राइट। तो अगर आपको वो दिक्कत है तो इट मीन्स आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। थोड़ी थोड़ी राद आती है तो यानी इन्फेक्शन कम है, ज़्यादा आ रही है तो आपको इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये स्पाइसी फूड था। स्पाइसी फूड इन्फेक्शन करता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, स्टोमक में जाके। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फास्ट फूड और जंक फूड। फास्ट फूड जंक फूड में 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं, एक है मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर, और एक है आपका ऑयल। ऑलिव ऑयल के अलावा सभी ऑयल बेकार हैं, आप सब जानते हैं। तो बात करते हैं मैदा के बारे में। पहले आप सभी जानते हैं कि मैदा हमारे स्टमक में जाके जमती है। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैदा मत खाओ, पेट में जाके वो जमती है, राइट। तो मैदा हमें नहीं खानी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो पेट में जाती है और बहुत जल्दी से फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर भी स्पाइक होता है, राइट। अब दूसरी मेन चीज़ है ऑयल। जब हम फास्ट फूड और जंक फूड खाते हैं तो उसमें ऑयल जाता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा। अब ऑयल हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? सबने कहा कि ऑयल मत खाओ, फैटी करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, बट क्यों नहीं खाना, फैटी क्यों करेगा, उस पर बात कर लेते हैं। 1 ग्राम फैट में, ऑयल मतलब फैट है,
एक ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 ही कैलोरी होती हैं, ठीक है। तो जब हम 1 ग्राम प्रोटीन बॉडी को देंगे तो हमारी बॉडी 4 कैलोरी पचाएगी, डाइजेस्ट करेगी यानी, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो भी 4 कैलोरी डाइजेस्ट करेगी, लेकिन जब हम 1 ग्राम फैट देते हैं यानी 1 ग्राम ऑयल देते हैं तो हमारी बॉडी 9 कैलोरी डाइजेस्ट करेगी, यानी कि दुगनी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुगनी डाइजेस्ट करेगी। और जब हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है तब हमें डाइजेशन के इश्यूज आते हैं, राइट। तो इसीलिए फास्ट फूड और जंक फूड को मना किया जाता है, क्योंकि मैदा हेल्दी नहीं होती है और ऑयल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं करती है। तो इसीलिए हमें ऑयली फूड कम से कम खाना चाहिए, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहे और जो भी हम खा रहे हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जब हम ऑयली फूड खाते हैं हमारा लीवर उसको नहीं पचाता है 9 कैलोरी को एक बार में, तो उससे दिक्कत क्या होती है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है। और जब वो खाना हमारी बॉडी में नहीं पचता है तो वो सारा खाना हमारा फैट में कन्वर्ट होता है, फैट मतलब जो हमारी बॉडी पे जो फैट होता है वो फैट, ओके। तो वो सारा खाना हमारे सारा वो खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम चर्बी बोल देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ है एंटीबायोटिक्स। जब हमें कोई बीमारी होती है, बुखार हो गया है, खांसी जुकाम हो गया है, तो क्या करते हैं कि हम दवाइयाँ लेते हैं, साथ में हम एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। खांसी होती है तो हम पोटेशियम क्लेवोनेट लेते हैं, जुकाम होता है तो हम एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन आई थिंक आप सबको पता होगा इस समय, क्योंकि COVID-19 में जब हमें सांस ढंग से नहीं आती है, गले में खराश होती है, तो डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन ही दे रहे हैं, राइट। तो एजिथ्रोमाइसिन गला ख़राब में दी जाती है, क्योंकि जब जुकाम होता है तो हमारे गले में बलगम हो जाता है, खराश होने लगती है, तो उसे ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दी जाती है। फीवर होता है तो सिपिक्सिम, सिफाट्रेक्सोन का इंजेक्शन, ये सब दिए जाते हैं फीवर में। तो एक्चुअली एंटीबायोटिक दी क्यों जाती है वो बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है, बीमारी है तो खानी पड़ेगी। छोटी बीमारी है तो खांसी की दवाई खाओ, सही हो जाओगे। जुकाम फीवर थोड़ा बहुत खाओ, सही हो जाओगे। लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट होती है, 5 दिन का इनका कोर्स होता है, ठीक है। अब आपको ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक सीधा किल करती है बैक्टीरिया को, यानी कि जहाँ से हमें मेन दिक्कत है उस सीधी मेन दिक्कत को ख़त्म करती है। और अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो एंटीबायोटिक का काम होता है उस बैक्टीरिया को सुखाना, जैसे कि हमें ज़ुकाम है, ठीक है। तो ज़ुकाम में बलगम होता है, तो बलगम ख़त्म नहीं होता, बलगम को सुखाना पड़ता है। तो वो नॉर्मल दवाई, खांसी की दवाई जैसे कि सिट्राजिन लोग लेते हैं, राइट, एविल ले लेते हैं एलर्जी में, राइट। तो ये दवाइयाँ ज़ुकाम को सुखाती नहीं है, केवल अगर किसी को इन्फेक्शन है, राइट, साथ में एलर्जी है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है धूल से, तो उस कंडीशन में सिट्राजिन ये सब काम करती हैं। बट अगर आपके बलगम भी आ रहा है तो आपको एजिथ्रोमाइसिन देना नेसेसरी है वहाँ पे, क्योंकि वो सुखाएगा। और जब एंटीबायोटिक किसी भी बीमारी में दी जाती है उस चीज़ को सुखाने के लिए, तो वो केवल उस एक चीज़ को नहीं, पूरी बॉडी के पानी को सुखाती है। तो जब पूरी बॉडी के पानी को सुखाएगी तो इट मीन्स वो स्टूल का भी पानी खींचेगी, राइट। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स कम खानी चाहिए, ज़रूरत है तो ज़रूर खाएँ, बट फाइबर की मात्रा बढ़ा लें तो ये दिक्कत नहीं होगी। एंटीबायोटिक्स के बाद आते हैं हम लैक ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की अगर कमी होती है तो दिक्कत आती है, क्योंकि विटामिन बी का काम होता है हमारे खाने को पचाना। हालांकि एंजाइम्स का भी काम खाने को पचाना ही होता है, बट विटामिन बी का काम भी सेम होता है, लेकिन दोनों अलग अलग लेवल पर वर्क करते हैं। तो विटामिन बी की अगर कमी है तो आपका खाना फ्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। एडिक्शन ऑफ टी, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उन्हें भी ये दिक्कत होगी। टी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसको हम डीप में डिस्कस नहीं कर सकते। बस कोई भी अगर आप चाय पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसे कम करें, वरना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी। अब बात करते हैं पुअर डाइजेशन। पुअर डाइजेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो चबा चबा के खाना है, राइट, चाहे कितना भी टाइम लगे चबा कर खाइए। और इसके अलावा आप पोमेग्रेनेट खाइए और छाछ पीजिए। पोमेग्रेनेट मतलब अनार खाइए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। छाछ तासीर में ठंडी होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है।
अगर आपको ये पुअर डाइजेशन की दिक्कत है पिछले 3-4 महीनों से, तो अनार और छाछ दोनों ही काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो इतना धीरे करेंगे कि आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही नहीं, राइट। तो ये दोनों चीज़ काम नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट जैसे कि इस समय आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, COVID-19 की दिक्कत है डॉक्टर्स, क्योंकि जब स्टूल पास नहीं होता है 2-3 दिन तक, तो उससे फीवर भी बनता है, राइट। तो लोग COVID-19 का टेस्ट कराते हैं, तो इस वजह से लोग डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, तो इस वजह से लोग डरते हैं, तो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं डॉक्टर को। तो उसके लिए मैं दवाई बताता हूँ। इस कंडीशन में आप दवाई खा सकते हो, एक दवाई, एक टैबलेट है मेनोक्टिल, मेनोक्टिल 40 mg, ठीक है। ये मेनोक्टिल 40 mg है, और इसकी कंपनी का नाम है मैनारिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये काम आती है एब्डोमिनल पेन में, जब हमारे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो एसिड बनता है, यानी गैस बनती है, और साथ में एब्डोमिनल पेन भी होता है, राइट। तो एब्डोमिनल पेन में इसको आप खा सकते हैं। साथ में जब कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो आपकी इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स आ जाते हैं, राइट। क्रैम्प्स का मतलब है ऐंठन आ जाना, राइट। तो जब आप लेटे हुए सीधा सीधा उठते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में दर्द होता है, पेट में नहीं, पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन है उस पर जोर पड़ता है, इट मीन्स कि ऐंठन आई हुई है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है। उस टाइम पर आप मेनोक्टिल 40 mg खाइए, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इस कंडीशन में इस टैबलेट को खाया जाता है, और इसका मतलब यही है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्स इन इंटेस्टाइन, ओके। तो मेनोक्टिल 40 mg आप खा सकते हैं। एक दूसरी टैबलेट है सिंटा प्रो 1 mg, इसकी कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला, ठीक है। ये टैबलेट काम आती है आपके फूड को स्टोमक में, इंटेस्टाइन में चलाने के, यानी कि जो फूड आपने खाया है जब, और उसके बाद जब आपने सिंटाप्रो 1 mg खाई है, तो ये आपके फूड को आपके इंटेस्टाइन में चलाएगी, यानी कि एक जगह नहीं रहेगी, वो खाना इंटेस्टाइन में चलाने में हेल्प करेगी सिंटाप्रो 1 mg, ठीक है। क्योंकि पुअर डाइजेशन का मतलब ये भी है कि जब आपका खाना एक जगह जाकर बस पड़ा हुआ है, वो इंटेस्टाइन में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस वजह से भी आपको दिक्कत है, ठीक है। तो सिंटाप्रो 1 mg भी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में काम आती है, जब आपका खाना एक ही जगह पर पड़ा रहता है और वो आगे नहीं जाता है, तो सिंटाप्रो भी हेल्प करती है आपके खाने को, तो सिंटाप्रो हेल्प करती है आपके खाने को आगे बढ़ाने में स्टमक के इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये दिक्कत काफ़ी टाइम से है, तो इन दो टैबलेट के साथ आप एक टैबलेट और खा सकते हैं, जो कि है रिफागट 400। ये सन फार्मा की टैबलेट है रिफागट 400, इसका सॉल्ट है रिफैक्सिमिन, RIFAXIMIN। रिफागट 400 अगर नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह कोई दूसरी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये काफ़ी महंगी एंटीबायोटिक है, तो किसी और कंपनी की भी आप ले सकते हैं। रिफागट 400 हेल्प करेगी आपकी इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करने में। अब पुअर डाइजेशन में कुछ लोगों को दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने बताया था कि वॉशरूम में जाने के बाद, स्टूल के बाद आपको थोड़ी सी राद आना, राद का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को सही करने के लिए आप टैबलेट खा सकते हैं ज़ेनफ्लॉक्स OZ, मैनकाइंड कंपनी की टैबलेट है, ये मैनकाइंड कंपनी की टैबलेट है, इसका नाम है ZenFlox OZ, ओके। तो आप ZenFlox OZ खाएंगे, 5 दिन खानी है सुबह शाम, ठीक है, और आपका जो रात वाली दिक्कत है वो सब खत्म हो जाएगी। ये 5 दिन का कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, सुबह शाम आप 5 दिन तक खाएंगे, राइट। और अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, केवल डाइजेशन की दिक्कत है, पेट भरा भरा रहता है केवल, तो फिर आप ZenFlox OZ की जगह रिफागट 400 खाएंगे इन दो टैबलेट के साथ, मेनोक्टिल और सिंटाप्रो के साथ। और अगर इन्फेक्शन है तो मेनोक्टिल, सिंटाप्रो और ZenFlox OZ, ये 3 खाएंगे। अब एक छोटी सी बात करते हैं कि अगर आपको ये दिक्कत, सपोज कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है आपको 5-6 दिन से, और आपकी 2 दिन बाद मीटिंग है, ओके, तो आपको क्या करना है? अब आप फाइबर बढ़ाएंगे, फाइबर बढ़ते बढ़ते 2-3 दिन तो आपको लग ही जाएंगे नॉर्मल लाने में, क्योंकि एक ही दिन फाइबर बढ़ने से सब कुछ नहीं होता, कम से कम 2-3 दिन फाइबर बढ़ाएंगे तब बॉडी को आदत पड़ेगी, क्योंकि पहले ही दिन में फाइबर भी पूरा डाइजेस्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी, ओके। तो अब इस कंडीशन में क्या करें, परसों आपकी मीटिंग है, 2 दिन बाद मीटिंग है आपकी, तो अब आपको स्टमक बिल्कुल क्लीन, अपना कोलन बिल्कुल क्लीन करना है, तो कैसे करेंगे? तो एक टैबलेट आती है डल्कोफ्लेक्स, पहले डल्कोलेक्स नाम से आती थी, अब आती है डल्कोफ्लेक्स नाम से। जब से ये सैनोफी कंपनी में कन्वर्ट हुई है तब से इसका नाम डल्कोफ्लेक्स हो गया, डल्कोलेक्स से। सैनोफी कंपनी है जिस कंपनी की कॉम्बी फ्लेम आती है, जिस कंपनी के सीकोड कैप्सूल आते हैं, राइट। तो डल्कोफ्लेक्स आप ले सकते हैं, रात को सोने से पहले आप इसको लीजिए, और सुबह को बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा।
आप सोने से पहले इसकी जगह डलकोफ्लेक्स की जगह आप क्रीमाफिन सिरप भी ले सकते हैं। क्रीमाफिन सिरप लीजिए आप, 2 चम्मच डालिए, सुबह को आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बट मैं जिसे सजेस्ट करना चाहता हूँ मेन, अगर आपकी मीटिंग है 2 दिन बाद तो सबसे मेन आप डलकोफ्लेक्स लीजिए। डलकोफ्लेक्स लेंगे तो आप मॉर्निंग में जाएंगे, आप बिल्कुल आपका कुलन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, या तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा या फिर सेकंड टाइम में। कुछ लोगों को सेकंड टाइम में कोलन उनका क्लींस होता है, 2 बार जाना पड़ता है तब उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जानकारी थी आपको किस तरह से अपने आप को बचाना है, कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचना है। जो टैबलेट्स हैं, जो डलकोफ्लेक्स है, वो टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए है। कायम चूर्ण, पेट सफा, त्रिफला टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए है, ठीक है। और जो ये मेनोक्टिल, रिफागट, सिंटाप्रो, ज़ैनफ्लॉक्स, ओजेड, ये 4 चीज़ बताई हैं, ये आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, आपके डिजीज़ को ठीक करने के लिए हैं, ठीक है। बट अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल कॉन्स्टिपेशन है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई आपको क्रैम्प्स की दिक्कत नहीं है, केवल आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है और आपकी कोई मीटिंग भी नहीं है 2 दिन बाद, तो उस कंडीशन में आप केवल अपने फाइबर को और अपने ईटिंग हैबिट्स को, अपने पानी को, ठीक है, और विटामिन बी को, इन सब को बढ़ा लीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि दवाई केवल टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए होती हैं, 2 दिन आपने दवाई खाई आप ठीक हो जाओगे और उसके बाद फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। आपको अपना खाना ये सब चेंज करना ज़रूरी है, अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर ये दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा, ऑयली फूड बिल्कुल ख़त्म करने पड़ेंगे। जब तक ऑयली फूड ख़त्म नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन में जो पॉइंट्स बताए थे उनको मैंने डीपली बताया, सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको करना है, इन सॉल्यूशन से आप हमेशा ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन गाइस, थैंक यू।